प्रस्तुत पाठ है वो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र कथा से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में कहा गया है कि बिलश वाणी ने कदापि में श्रुता, बिल को कभी मैंने बोलते हुए नहीं सुना, या फिर गुफा को कभी भी बोलते हुए नहीं सुना। कस्मचित वने खर नकर है नाम सिंह है प्रतिवसति समय, किसी वन में कस्मचित यानी किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्तः परिभ्रमन शुद्धार्थ है न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। कदाचित इतस्तः यानी सह कदाचित इतस्तः परिभ्रमन शुद्धार्थ यानी भूख से व्याकुल, शुद्धार्थ यानी भूख से व्याकुल इतस्तः इधर उधर घूमते हुए न किंचित अपि यानी कुछ भी नहीं आहारम यानी भोजन प्राप्तवान यानी प्राप्त हुआ। भूख से व्याकुल उसे ही इधर उधर घूमते हुए कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एका महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। ततः सूर्यास्त समय इसके बाद इस प्रकार सूर्यास्त के समय एका महती एक बड़ी सी गुफा दृष्ट्वा गुफा को देखकर सह उसने अचिंत्यत सोचा कि नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। सह यानी सूर्य अस्त के समय एक बड़ी सी गुफा को देखकर उसने सोचा कि नूनम निश्चय ही एतस्याम इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है अतः अत्रैव निगूढो इसलिए अत्रैव यही निगूढो भूत्वा छिपकर तिष्ठामि बैठता हूँ या रहता हूँ इति। इस प्रकार एतस्मिन् अन्तरे गुहायां स्वामी दधिपुच है नाम कह श्रृगालः है समा आगच्छत। इस प्रकार इसके बीच में गुहायाम स्वामी दधिपुंच है नामक यानी इसके बीच में गुफा का स्वामी दधिपुंच नामक सियार वहाँ आता है। सहच यावत और वह यावत यानी जैसे ही जब तक पश्यति देखता है तावत तब तक सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। नैच बहिरागता नहीं नै यानी नहीं च यानी और बहिरागता यानी बाहर आए हुए कि शेर के जो चिन्ह हैं पैरों के जो चिन्ह हैं वो गुफा के अंदर जाते हुए तो मैंने देखे लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखे। श्रृगालः है अचिंतित गिद्धड़ ने सोचा अहो विनिष्टोऽस्मि अरे विनाश हो गया है अरे मेरा तो विनाश हो गया है या मेरा विनाश अवश्य है। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ततिम तर्कयामि नूनम यानी निश्चय ही अस्मिन् यानी इस बिले यानी गुफा में या गुहायाम ये पर्यायवाची एक दूसरे के निश्चय ही इस गुफा में शेर है इति तर्कयामि इस प्रकार सोचता हूँ। तत् किं करवाणि इसके बाद क्या करना चाहिए कि अब मैं क्या करूं एवं विचिन्त्य दुरस्त है रवम कर्तुम आरब्ध है। इस प्रकार सोचते हुए विचिन्त्य यानी सोचते हुए दुरस्त है दूर से ही रवम यानी आवाज कर्तुम यानी करता है आरब्ध यानी आरंभ। इस प्रकार सोचते हुए दूर से ही आवाज करना आरंभ करता है। भो बिल या हे गुफा किम न स्मर्षि क्या याद नहीं है यन्मया तवया सह समय है कृतो अस्ति यन्मया यानी इससे मैंने तुम्हारे साथ तवया यानी तुम्हारे इस प्रकार मैंने तुम्हारे साथ समय कृतो अस्ति यानी समझौता किया है। यत कि यदा अहम कि जब मैं बहयते बाहर से प्रत्यागमिष्यामि यानी लौटूंगा जब मैं बाहर से लौटूंगा तदा तब त्वं माम आकृष्यामि तब तुम मुझे पुकारोगी या बुलाओगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि
त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, न यानी नहीं, यदि तो मुझे नहीं, अहव्यश यानी बुलाओगी या पुकारोगी, त्रहि तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल या गुफा में चला जाऊंगा।